जो तीन किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट, आपको याद होगा सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। इधर तो आप आसन को, पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ, आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट, मान्य सदस्य, आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट,
दूसरे मित्र की मदद करने का है, दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्जी मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। फल और सब अगर बजट पे चल साइलोज में रखेगा। कांग्रेस पार्टी ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर सर मैं आए ऑप्शन मैं अध्यक्ष जी मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा मैं बता रहा हूँ एक मिनट बैठिए माननीय सदस्य प्रधान आज बजट पर चर्चा है मैं आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% 40% आबादी इस पे जीती, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। लक्ष्य कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान मजदूर छोटे दुकानदार व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218 सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए माइक बंद कर दिया सर आपने सर आप क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। इससे होगा क्या, जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ सिर्फ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी, आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बिचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है, कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट मानो सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा,
जरूर होगा पांच दस उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज, तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं चार पांच दस लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या, हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है। और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है, और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है, पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो, आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने का की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनकी इन लोगों ने, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।